अमेरिका ला। अच्छा भी परेशानी ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बच्चों, आप वालेकुम मैंने मैम। सबको लिंक सेंड कर दिया था। जी जी मैम, मैम, कर मैं दिया। दिया ग्रुप में चलें। ठीक है, वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स। ठीक है, सॉरी बच्चों, आज जरा थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास टाइम पे नहीं ले सकी। तो अब हम लोग वेट कर लेते हैं 5 मिनट, सब लोग ज्वाइन कर ले, मीटिंग फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है। ओके मैम।
बस बोल रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। अफ्तारी के फौरन बाद मिला लिया आप सबको। मैम मैंने कहा अफ्तारी के फौरन बाद तो नहीं बुला लिया किसी ने, कोई बर्तन तो नहीं धोने थे अभी तक? मैम धोने थे यार, जान छूट गई है बर्तन से। मैम अब नींद छूट गई है, जान छूट गई है ना, ये भी अच्छा फायदा हुआ है। मैम हमने तरावी पढ़ने जाना। ओह वो बस जरूर जरूर, बस जल्दी क्लास खत्म कर देंगे। आपकी तरावी इतनी जल्दी कहां से शुरू हो जाती है? फिर 8:30 8:30 बजे नमाज नहीं पढ़ती उसके बाद। हां जी मैं उससे पहले क्लास खत्म कर दूंगी, 8:15 तक तरावी होती है, 8:30 तक। ओके टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है?
स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो पढ़ रहा तो नहीं होगा, इसलिए मुश्किल ही पढ़ा होगा आप लोग का। वेब प्लान मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपलोड कर दूंगी, और उसमें आप लोगों के टेस्ट भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के बीच में टेस्ट ऐड करूंगी, जिसमें कुछ लेक्चर्स के बाद जो होगा वो आप लोगों का कोई ना कोई टेस्ट रखा जाएगा, तो वो इस तरह से आप लोगों की तैयारी फिर होती रहेगी। बाकी असेसमेंट्स वाइवा वगैरह वो तो सब होगा ही, ठीक है। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर, क्योंकि फिर बहुत से हमारे आपके हमारे भाई हैं जो हमारे, उन्होंने नमाज तरावियां पढ़ने जाना होगा, तो इसलिए जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस, ठीक है। जिसमें लास्ट टाइम अगर लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमने यही बात की थी कि मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए होते हैं, उनमें सिंगल स्ट्रैंड भी आ जाते हैं, डबल स्ट्रैंड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या बात करते हैं कि हम किस किस बेस के ऊपर वायरसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो उनका न्यूक्लिक एसिड जो मैंने आपको बता दिया डीएनए और आरएनए, और देन उनका क्या होता है कैप्सिड आ जाता है, उसका साइज मिट्री, और देन के वो इनवेलप्ड है और नॉट, ठीक है। इनवेलप्ड है, नॉट इनवेलप्ड है, उसका सिमेट्री क्या है, सिमेट्री वो किस शेप में है, वो ट्राइंगल शेप में है, ठीक है, और उसके बाद उसका साइज कितना आ जाता है। डीएनए वायरसेस जो होते हैं बेसिकली या तो ये नेकेड होते हैं, या जिनको जो जो किस फॉर्म में होते हैं, कौन सा हेड्रल फॉर्म में होते हैं, इनवेलप्ड हो सकते हैं, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस जिसका आप लोगों को लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो इनवेलप्ड होता है, और उसकी सिमेट्री क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कैप्सूल उसकी सिमेट्री होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को इसमें लेक्चर में मैंने आप लास्ट टाइम भी बात की थी कि इसमें आप लोगों को टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि हम लोग इसी क्लासिफिकेशन को आप लोग टेबल बना लेना, डीएनए वायरसेस का सेपरेट बना लेना, आरएनए वायरसेस का सेपरेट बना लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इसको रिमाइंड करना जो होगा वो ईजी हो जाएगा, कि उसको हम डीएनए को टू में क्लासीफाई करते हैं, नेकेड में और इनवेलप में, और उसके बाद हम इसको फर्दर जो होगा उनको क्लासीफाई कर सकते हैं हर्पिस में, हेपर डीएनए में, अडीनो में, पेपोवा में, पार्वो में, और पॉक्स वायरसेस में, ठीक है। तो डीएनए वायरसेस को हम रेफर करते हैं हैप्पी, ठीक है, कि हर्पिस, हेपर डीएनए, एडिनो, पेपोवा, पार्वो, पॉक्स वायरसेस जो होते हैं सब इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा किसकी होती है, पॉक्स वायरस की आ जाती है। ये हर्पिस वायरस आगे दिखाया गया आपको, ये जिसका आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस जो अंदर वो डायमंड शेप में है, ये एडिनो वायरस आ गया है, देन ये पेपोवा वायरस है, हेपर डीएनए वायरस आ गया है, पार्वो वायरस है, ठीक है। जस्ट इसमें बेसिकली आप लोगों ने आगे हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्ट में जस्ट मैंने आप लोगों के इनके नाम बताए हैं, ठीक है। इस तरह से जो आरएनए वायरसेस होते हैं इसके आगे थ्री हैं, नेकेड है, इनवेलप्ड है, और इनवेलप्ड हेलिकल है, और उनको फर्दर हम डिफरेंट मेंबर्स हैं इनके आगे, नेकेड के आगे फोर मेंबर्स हैं, इनवेलप्ड के थ्री मेंबर्स हैं, और इनवेलप्ड हेलिकल में कितने आ जाते हैं, एट मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों ने सारा याद करना है तो कौन सा आरएनए नेकेड है, कौन सा इनवेलप्ड हेलिकल, और कौन सा इनवेलप्ड आइकोजा हेड्रल है। जिसी तरह से नेकेड आइकोजा हेड्रल जो होते हैं ये पाइकोना वायरस आते हैं, हैपी वायरस आते हैं, कैलसी वायरस आते हैं, और उसमें रियो वायरस आ जाता है। फिर इनवेलप्ड में फ्लेवी है, टोगा है, और साथ में रेट्रो आ जाता है। इनवेलप्ड हेलिकल में एट मेंबर्स हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं फाइलो, कोर्ना, अरीना, बुनिया, पैरामिक्सो, और दो मिक्सो, ये सब किस में आ जाते हैं, आरएनए वायरसेस में आ जाते हैं, ठीक है। या अगेन की शेप्स दिखाई गई जिस आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड की गई हैं, अदरवाइज शेप्स इतनी याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोरोना वायरस अरीना है, रेट्रो है, और फाइलो वायरस आ गया, बुनिया है, ठीक है। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे बात की डीएनए वायरसेस की, हैप्पी उसमें हैपर डीएनए आ गया, वो सब आ जाते हैं, आरएनए वायरसेस की बात कर ली। अब थोड़ी थोड़ी सी इनकी डिटेल देख लेते हैं कि उनमें क्या जो मेजर हमारे इंपॉर्टेंट डीएनए वायरसेस हैं उनका, एक तो क्या सिमेट्री क्या होती है, उनका डीएनए किस शेप में है, और सब चीजें आ जाती है, ठीक है। अब डीएनए वायरसेस में सबसे पहले पार्वो वायरस है, वेरी स्मॉल होता है, इसका जो शेप नेकेड आइकोजा हेड्रल होता है, और उसमें जो डीएनए जो होता है वो किस क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स का पता है ना आपको क्या होता है, कि जो हमारे आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है, और शेप जो होती है वो किस्मत सिकल शेप, सिकल मून लाइट शेप में वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उस पेशेंट्स में जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं उसमें ये लिंक करता है, रिथमा इन्फेक्शन के साथ लिंक कर सकता है। इसलिए इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट होता है स्लैब चीफ का मतलब होता है कि उसके
चीक्स जो होते हैं बिल्कुल रेड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हुआ है, तो उसको कहते हैं स्लैब चीक्स, इसलिए कहते हैं। इस एग्जाम्पल जो है वो कौन सी है, B19 वायरस आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पार्वो वायरस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देन पोलियोमा वायरस है, ये भी नेकेड आइकोजाहेड्रल होता है। बच्चों आप लोग इस तरह से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग लिखें नेकेड आइकोजाहेड्रल, इसमें कौन कौन से आते हैं आप उन वायरसेस के नेम्स लिख लें, ठीक है। फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए में कौन कौन से आते हैं उनके नेम्स लिख लें, आप इनको खुद इनको एक मॉडिफाई कर सकते हैं इस लेक्चर में से, और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करके इनको टेबल फॉर्म में या ले आए या पॉइंट्स के फॉर्म में ले आएंगे, पॉइंट्स को पहले ही, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मैम जब हम इनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो जब जैसे वाइवा होगा तो आप हमसे सारे नाम रिक्वायर्ड होंगे कि हमें सारे नाम पता होने चाहिए या कोई से चार पांच नाम? बेटा अगर आठ फॉर एग्जांपल आ रहे हैं वायरसेस के एट मेंबर्स हैं तो आपको एट मेंबर्स का नाम तो पता होना चाहिए ना, ठीक है मैम। ठीक है, शॉर्टलिस्ट का आपने इसका मतलब ये कि आप मतलब मीन कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग एक टेबल बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लिख लें डीएनए वायरसेस, ठीक है। डीएनए वायरसेस में आगे लिख लें पार्वो वायरस, पायरो उसका कॉलम बना लें, जैसे उसका आइकोसाहेड्रल है, उसका डीएनए लिनियर है, वो नेकेड है और साइज, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग टेबल्स बना लेंगे डीएनए वायरसेस का सेपरेट, आरएनए का सेपरेट, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, क्लियर? यस मैम। इसी तरह से कुछ हमारे पास जो पोलियोमा वायरस जो होते हैं वो सुपर क्वाइल डीएनए फॉर्म में होते हैं, लिकोसेफेलोपैथी बेटा होता है, बेसिकली मल्टी फोकल का मतलब है कि हमारी जो ये है मतलब क्या स्कल है, स्कल या ब्रेन में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकल पॉइंट्स बन जाते हैं या पंच पॉइंट्स बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं वहाँ पे लिकोसाइट्स की वहाँ पे क्या होती है क्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है कि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी या उनका इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस किया जाता है, क्यों हम उसको सप्रेस कर देते हैं, इसलिए ताकि उनका अपनी जो उनके सेल्स हैं वो उस जो ग्राफ्ट है या जो ट्रांसप्लांट किया है उसको खत्म ना कर सकें। तो इस तरह से जो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट्स होते हैं किडनी के, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। पेपिलोमा वायरस जो होता है ये भी नेकेड आइकोसाहेड्रल होता है, इसका सुपर क्वाइल डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये बेसिकली वार्ट्स बनाता है बॉडी साइट्स के ऊपर, इसको हम पेपिलोमास कहते हैं, और ये कार्सिनोमा भी कॉज कर सकते हैं किसका, सर्विस का, ठीक है। इसी तरह से आप एक कॉलम जो अगर डिजीज का भी ऐड कर दें तो आप लोग हर वायरस के आगे उसको डिजीज लिखते जाएंगे, जिसमें पेपिलोमा वायरस जो एक वार्ट्स कॉज करता है और कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है किसका, सर्विस का। अडीनो जो होते हैं बेटा ये भी नेकेड होता है, इसका भी डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, फ्रिंजाइटिस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज में वो कॉज कर सकते हैं, और इसकी 40 एंटीजेनिक टाइप्स है, मींस ये खुद को 40 फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकता है, कितने फॉर्म्स में, 40 फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। क्या मींस के अपनी एंटीजेंस को चेंज करता रहता है, तो उसकी 40 डिफरेंट एंटीजेनिक साइट्स होती हैं कि जिसके साथ ये कर सकता है बाइंड करके डिजीज कॉज कर सकता है। हैपर डीएनए जो होता है इनवेलप्ड है आइकोसाहेड्रल है, इसका भी सर्कुलर डीएनए बेटा, अब तक हमने प्रीवियस जितने भी वायरसेस पढ़े थे उन सबका क्या था, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए था, अब ये हमारे पास एक क्या है, हैपर डीएनए का क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड है, बट इसका क्या है, सर्कुलर डीएनए, और एग्जांपल कौन सी, हेपेटाइटिस बी वायरस है। हर्पिस भी इनवेलप्ड होता है, इसका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, और उसका भी डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए आ जाता है, ये लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करता है, इसमें वेरिसेला ज़ोस्टर है, साइटोमेगालो वायरस है, एप्स्टीन-बार वायरसेस है, ये सब इसी किस्म आ जाती है, एग्जांपल्स में आ जाती है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वायरस जो होता है वो पॉक्स वायरस होता है, ये ब्रिक लाइक शेप में इनवेलप है, कैप्सिड इसकी सिमेट्री होती है, और ये बेसिकली क्या करता है, स्किन लेजियंस कॉज कर देता है, जिसमें आपको स्मॉल पॉक्स, आपको पता ही है एक बहुत कॉमन, पहले तो बहुत कॉमन डिजीज थी, लेकिन अब भी क्या होता है कि बच्चों में अक्सर स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वो उनको निकल आते हैं, ठीक है, क्लियर है। डीएनए वायरसेस का किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो मैम। अब है आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी होती है आरएनए की। इसकी एग्जांपल्स जो है वो एंटेरो वायरस है, रेनो वायरस है, और साथ में हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, नॉन सेगमेंटेड है। अब हमारे पास जो हमने डीएनए वायरसेस पढ़े थे वो सबके सब क्या थे, डबल स्टैंडर्ड थे, ठीक है। अब आरएनए वायरस जो हमारे पास पाए कोरोना वायरस है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आ गया। हैप्पी वायरस जो होता है ये भी नेकेड होता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें लीनियर है, नॉन सेगमेंटेड है, और साथ में इसकी एग्जांपल जो है वो क्या रहती है, हेपेटाइटिस की आ जाती है।
कैसी वायरस जो होता है वो नेकेड होता है, आइकोसाहेड्रलेस, सिंगल स्ट्रैंडेड है, वही चीजें हैं सबकी लीनियन नॉन सेगमेंटेड, जिसके एग्जांपल जो है वो क्या है, नोरो वायरस है, और इसकी भी क्या होती है, पॉजिटिव क्लैरिटी आरएनए होता है। रियो जो है ये नेकेड होता है, कैप्सिड कोट करता है, इसमें 10 से 11 सेगमेंट्स होते हैं किसके, डबल स्ट्रैंड लीनियन आरएनए के, और ये मेन ह्यूमन पैथोजन इज रोटा वायरस व्हिच कॉज द डायरिया। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन है जो बैक्टीरिया वो है वायरस है जो क्या कर सकता है, डायरिया कॉज कर सकते हैं। और इसका अगर हम आरएनए को देखें उसे कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10 से 11 सेगमेंट्स उसके आ जाते हैं। फ्लैवी में भी वही चीजें बच्चों, इनवेलप आइकोसाहेड्रल है, उसकी एग्जांपल्स है हेपेटाइटिस सी, येलो फीवर, डेंगी। आप लोगों ने सब कुछ याद रखना है, आप लोगों से वाइवा में एग्जाम्पल्स भी पूछी जा सकती हैं कि फ्लैवी वायरस की एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि रोटा ऐसा कौन सा वायरस है, जैसे हमने पीछे बात की कि रोटा में रियो वायरस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रोटा वायरस जो क्या करता है, डायरिया कॉज करता है। ठीक है, इस तरह से जो मेन, इसी तरह से टोगा वायरस जो है इसकी एग्जाम्पल जो है वो क्या, रूबेला वायरस है, ये भी इनवेलप होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है, और उसमें भी क्या कहते हैं, लीनियर आ जाता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन है रेट्रोवायरस, ये इनवेलप होता है, इसमें टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड होते हैं किसके, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर पॉजिटिव क्लैरिटी आरएनए के। इसकी क्या मेजर प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनता है मीन्स कि वो आरएनए से क्या बना सकते हैं, वो डीएनए बना सकते हैं। और उसकी मेजर एग्जाम्पल जो है वो सबसे कॉमन क्या है, इसकी एचआईवी, और साथ में कुछ लिकीमियास भी इसमें आ जाते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, एचआईवी है। ऑर्थोमिक्सो जो है ये भी इनवेलप होता है, हेलिकल होता है, 8 सेगमेंट्स होते हैं, और इसकी क्या होती है, वो नेगेटिव क्लैरिटी होती है। बच्चों अब आप लोगों को समझ आया, अब आप लोगों के पास एक और मेन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ गया, जितने भी प्रीवियस आरएनए वायरसेस थे वो सब क्या थे, पॉजिटिव क्लैरिटी के थे। ठीक है, बट जो ऑर्थोमिक्सो है ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव क्लैरिटी इसमें आरएनए होती है, इसकी एफिनिटी होती है किसके लिए, म्यूटेंट्स के लिए, और ये क्या करते हैं बेसिकली, इसकी बेजिंग एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस। बच्चों आप लोगों से ऐसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन मैं वाई वन पूछती हूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो कौन सी क्लास से लिंक करता है, किस से, कौन सी क्लास में आता है, कौन सा आरएनए वायरस है, तो आपने उसका, उसकी क्या आंसर, उसका ऑर्थोमिक्सो वायरस। ठीक है, इस तरह ही पूछा जा सकता है, हेपेटाइटिस ई या टोगा वायरस जो है वो किस में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों तरह से वाइवा से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, और उस तरह अगर मैं आप लोगों को ड्यूरिंग लेक्चर से क्वेश्चंस बता रही हूँ तो आप लोग इनको नोट करते रहें, फ्यूचर में आप लोगों के लिए इजी रहेगा। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी का क्या मतलब है, मतलब जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना वो डायरेक्ट जो होता है वो डीएनए आरएनए से जो होते हैं मैसेंजर आरएनए बना देते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोटीन्स बन जाती है, लेकिन जो नेगेटिव पोलैरिटी वाले जो होते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो सबसे पहले उनको चेंज करना पड़ता है उसमें पॉजिटिव वाले में, और उसके बाद वो जो होता है अपना जो टारगेट जो होगा उसका डीएनए जो होगा उसमें वो चेंज होते हैं। ठीक है जी मैम, ठीक है। क्लियर? यस मैम। बेसिकली इसमें होता है यही, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड वो वायरसेस को लेके उससे अपना क्या करते हैं, वो जीनोम बना लेते हैं। और इसमें नेगेटिव, आपको पता ना कि दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, अगर आप लोगों ने डीएनए का आरएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव वाला होता है और एक कौन सा होता है नेगेटिव सेंस वाला होता है। ठीक है, तो ये उसको दिखाया गया। क्लियर? तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रोटीन्स में, लेकिन नेगेटिव वाले जो होते हैं वो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। yes, अच्छा बच्चों ये हो गया है पैरामिक्सो। रैबडो है, रैबडो की बुलेट शेप वायरस होते हैं, हेलिकल होते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी होती है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, रेबीज वायरस आ जाते हैं। फाइलो वायरस जो है ये हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, इसमें भी नेगेटिव पोलैरिटी होती है। प्लियोमॉर्फिक, बेटा प्लियोमॉर्फिक कहते हैं जो खुद को डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट शेप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिक, हाईली प्लियोमॉर्फिक लॉन्ग फिलामेंट्स की खुद को वो क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म्स में खुद को प्रेजेंट करता है, तो इस एग्जांपल क्या आती है, इबोला वायरस आ जाती है। कोरोना वायरस जो कि आप सबको पता लग गया हुआ है, इसका हेलिकल है, लीनियन नॉन सेगमेंटेड है, इसमें प्रोमिनेंट हेलो स्पाइक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनवेलप में प्रोट्रूड किए होते हैं, उसके अंदर इंसर्ट किए होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, ये सब चीजें, चेस्ट कंजेशन, ये सब क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकता है।
रीना वायरस जो होता है, एग्जाम्पल जो है वो लासा फीवर वायरस है, ये बेसिकली रीना का जो है इसको लिया कहाँ से गया, सैंड से लिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं किसकी सरफेस के ऊपर और ये नॉन फंक्शनल राइबोसोम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसकी भी नेगेटिव क्लैरिटी होती है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड और ये भी हमारे पास क्या है, इनवेलप्ड वायरस आ जाता है। बुनिया वायरस जो है बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें बुनिया का मतलब क्या है कि प्रोटोटाइप बुनिया वायरस प्लेस इन अफ्रीका, मीन्स कि अफ्रीका में एक प्लेस है उस बेस के ऊपर इसका नाम जो था उसको दिया गया था। इस एग्जाम्पल जो है वो कैलिफोर्निया एनसेफेलाइटिस वायरस आ जाता है। डेल्टा जो है इसका आरएनए जीनोम होता है, इसकी कोवेलेंट क्लोज सर्कल्स होते हैं और डेल्टा से लिंक का आपको हेपेटाइटिस बी वायरस इसमें आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमने अब तक जो यहाँ तक डिस्कस किया है वो हमने डिफरेंट डीएनए और आरएनए वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स की उनको जस्ट उनका डिस्कस, उसमें मेन मेन हमने उनको देखा है कि उनकी शेप है कौन सी है, वो इनवेलप्ड है या नॉन इनवेलप्ड है, उनका डीएनए या आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड है, और फोर्थ वन ये कि वो कहाँ उनको उनकी एग्जाम्पल क्या है और वो डिजीज कौन सी कॉज करती है। 4 to 5 points हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब जो हमारा इस लेक्चर का जो एंड लास्ट टॉपिक है वो है पोलियो वायरस। इसको हम देख लेते हैं कि पोलियो वायरस क्या है। आपको पता है कि पोलियो एक मोस्ट हाईली कॉन्टेगियस डिजीज है, अभी तक भी पाकिस्तान में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि डिजीज बहुत ही पुरानी है लेकिन पता नहीं कि वैक्सीन हैं जो भी है कि वो इतनी सूटेबल नहीं है कि हम इसको अपने पॉपुलेशन में कंट्रोल कर सकें, ठीक है। बेसिकली ये एनवायरनमेंट से किस ट्रांसमिट होता है, किस तरह से, कि फीसिस के थ्रू किसी भी पर्सन का फीसिस या जो कि इन्फेक्टेड होता है उसे क्या करता है, अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है। 0.5% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है, मसल की वीकनेस होती है, मसल वीकनेस होती है तो पेशेंट जो भी जिसको पोलियो वो मूव नहीं कर सकता। ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसको होती है, लेग्स की होती है, लेकिन हेड नेक और डायफ्राम के मसल भी इसमें आ सकते हैं। सिम्टम्स क्या है कि पहले फीवर होता है, सॉर्ट थ्रोट होता है, हेडेक होती है, वॉमिटिंग होती है, फटीक होती है, लेकिन वो इतना सीवियर इसका अटैक होता है कि वो हमारे मसल्स जो भी जिसको भी अटैक होता है उसके मसल्स की ये वीकनेस कर देता है। बैक पेन है, आर्म और लेग की स्टिफनेस हो सकती है और इसका मेनिंजाइटिस भी होता है, मीन्स के ब्रेन क्यों क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि इसको बुखार बहुत ज्यादा मेनिंजाइटिस कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो गया या फिर क्या था कि बुखार बहुत तेज चढ़ा था, तो यही बात होती है कि बुखार इतना ज्यादा हो जाता है कि मेनिंजाइटिस मीन्स के जो मेनिंजेस हैं उनका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्रेन का जो इफेक्ट होता है तो उसके साथ साथ ये मसल्स को भी साथ में वीक कर देता है, मसल आम जो लेग की क्या होती है स्टिफनेस हो जाती है, नेक पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल है पैरालिटिक पोलियो, ये बेसिकली स्मॉल पर्सन एज जो होती है उसको इन्फेक्ट करती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं यही है कि मसल तो ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन वो स्लोली प्रोग्रेस होती है, इतनी जल्दी नहीं होती। मसल से क्या हो जाती है, ट्रॉफी हो जाती है, मीन्स के मसल इसमें श्रिंक हो जाता है, उनका साइज कम हो जाता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ सकती हैं, टेम्परेचर हो सकता है और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं जिसे हम इसके स्टॉपिंग ब्रीथिंग भी हो सकती है। जो प्रिवेंशन यही है कि हमें सबसे पहले क्या जी इसकी वैक्सीनेशन जो है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन उन वैक्सीन होने के बावजूद भी अभी तक कंट्रोलेबल नहीं है। हमारे पास दो तरह की वैक्सीन हैं, एक तो IPV है जिसे हम इनएक्यूरेट पोलियो वायरस कहते हैं, OPV जिसे ओरल पेंटावेलेंट कहा जाता है इसको, या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। किस तरह से इसको हम बनाते हैं, OPV का मतलब है बेटा कि इसको हमने वीक करते हैं, मीन्स कि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आपको बताया ना कि पूरे का पूरा जो पैथोजिन होता है वो कभी भी पूरा का पूरा पैथोजिन डिजीज कॉज नहीं करता, सिर्फ उसका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या करते हैं डिजीज कॉज कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका डिजीज कोज पार्ट होता है उसको हम वीक कर देते हैं, उसको वीक करने उसको हम अटेनुएट कर देते हैं, हीट करते हैं, वीक कर देते हैं, और फिर उस वायरस को जब हम किसी भी एनिमल के अंदर माउस में या रैबिट में ट्रांसफर करते हैं तो उस अगेंस्ट उसमें क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज को हम किस फॉर्म में वैक्सीन के फॉर्म में लेके जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम दे देते हैं, ठीक है। तो OPV किस तरह से बनती है, वीकेंड फॉर्म होती है किसकी, पोलियो वायरस की, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक था आज का आप लोगों का लेक्चर जिसमें हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू इसमें? नो मैम, पोलियो का एज ग्रुप क्या होता है, मतलब सबसे ऑनसेट इसका होता है डिजीज का किस एज से? बच्चों में बेटा, बच्चों में ज्यादा होता है। बच्चों में क्या किस एज से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है? देखो बच्चों बेटा, वैसे तो 1 year से मतलब कि पोलियो वैक्सीन जो होती है वो 6 months 3 months में दे दी जाती है,
लेकिन ये होता है कि कुछ बच्चे अगर बीच में डोज मिस करते रहते हैं तो 4 to 5 years तक जो होता है इसका एज ग्रुप आ जाता है, लेकिन ज्यादा इसका इफेक्ट जो होता है वो 2 साल 3 साल के बच्चों में ज्यादा होता है। मैम जी, मैम ये जो पोलियो की जो वैक्सीन बनती है पाकिस्तान में तो नहीं बनती, मतलब उधर की एनवायरमेंटल कंडीशन और है इधर की और है, मतलब इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, मतलब जो पोलियो की जो यूज करते हैं हमारे इधर? बेटा आप तो पाकिस्तान में बननी चाह बनती है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है, उसका यूज का मतलब नहीं है बेटा। इसमें यह होता है कि डोज पे भी डिपेंड करता है समटाइम्स। एक तो ये पोलियो वैक्सीन तो है लेकिन आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी इलिटरेट है, इतनी लिटरेट है कि अगर कोई वैक्सीन के लिए आता भी है तो वो लोग बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, क्या पेरेंट्स क्या कहेंगे, नहीं 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 हमने नहीं कतरे पिलवाने, हमने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाने, पता नहीं क्या होगा ये होगा। बहुत से लोग तो वैक्सीनेशन करवाते ही नहीं है बच्चों को, ठीक है। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैक्सीन अगर बाहर से बनती है तो एनवायरमेंट का चेंज होता है, वो जो एनवायरनमेंट जो क्योंकि हम तो इसको कमर्शियली खुद प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो जो पूरा उसको एनवायरनमेंट और जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दिया जाता है इसको कि पूरा टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो मेंटेन की जाती हैं। जी बच्चों किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, वो है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन आई हुई है ये सेफ है? यस सेफ है, क्योंकि मैम मैंने एक दो जगह मेरे फादर ने करवाई है बेटा के प्राइवेट साइट पे। जी जी प्राइवेट साइट पे क्या मैम? वो प्राइवेट साइट पे कोई मेडिसिंस हैं जिससे ब्लड थिकनिंग हो रही है और उसके अलावा कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो इस तरह की चीजें आई थी इसलिए पूछी थी। मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव केसेस आना हो तो आ सकता है, वो कोई इशू नहीं। अब जितना मुझे कोरोना हुआ है मेरे में एंटीबॉडीज। जी जी बेटा वन बाय वन। हाँ जी वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम मैंने भी लगवाई थी तो उसकी 2 doses होती हैं, तो उन्होंने कहा था जिसके 2 doses होती हैं आप थोड़ी वीक हो जाती है इम्यूनिटी और उस दौरान अगर आपका ज्यादा बाहर हो जाए तो उस पे कोविड हो सकता है। और मैम जो हम वैक्सीन लगवाते हैं उसमें जो वायरसेस होते हैं उसको ही थोड़ा सा वीक करके हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही होती है। बेटा एंटीबॉडीज बनने में 15 डेज लगते हैं, 15 डेज के बाद एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोविड हुआ है, अब मेरे में एंटीबॉडीज तो है लेकिन खुदा ना खास्ता मुझे सेकेंड टाइम भी हो सकता है कि अगर मेरी इम्यूनिटी वीक हो रहेगी तो, ठीक है। तो बेटा वैक्सीन स्पेशली अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के पेरेंट्स हैं घर में अब तो 50 years+ उन्होंने कहा है कि आप वॉक इन आके लगवा सकते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि सबको लगवानी चाहिए। अभी तो आप लोग सबने लगवाया और सबके लिए सेफ है, किसी को कोई भी सिम्टम नहीं शो हुआ तो इसका मतलब तो सेफ ही है ना, जो मेरे फादर ने करवाई है किसी को कोई इशू नहीं आएगा। और बेटा अभी तो वैक्सीन गवर्नमेंट दे रही है और 2-3 months के बाद आपको यहाँ पे जो प्राइवेट वाले ना वो कहेंगे जी पैसे लेके आए तो आपको वैक्सीनेशन मिलेंगे, ये हालात हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जहाँ प्राइवेट वाले जो गवर्नमेंट सेक्टर में है मैम उसमें हमारी बारी तक आएगी वैक्सीन? आपको लगता है कि प्रेडिक्शन है ये कि मैम हम लोगों की बारी तक, मतलब जैसे हमारी 23-24 तक वालों को तो पता नहीं, अभी 40 तक तो आ गई है, अब देखिए क्या बनता है, लेट्स सी। मैम जितना जल्दी अलाउ कर दी है जो हेल्थ केयर स्टूडेंट्स है उन लोगों को स्टूडेंट कार्ड पे कर दी, ये तो सही है। नहीं आप लोग जरूर करवाएं और मुझे भी मेरे पास भी व्हाट्सएप आया था कि हेल्थ केयर को कर दिए तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। मैम अटेंडेंस लगा लें वो काम करना है। बेटा अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं लगा लूंगी अभी आप लोगों का, आज नेक्स्ट वीक से प्रॉपर लगेगी, आप लोग करें जो काम। अच्छा बच्चों मैंने आप लोगों से बात करनी थी कि ड्यूरिंग रमजान जो है आप लोगों की क्लास सेक्शन ए और बी दोनों, मतलब ए बी की क्लास 6 slot में होती है ना तो वो 7 slot में हुआ करेगी, बी की मतलब 2 बजे क्लास हुआ करेगी, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। हां 2 बजे सबकी क्लास होगी। जी मैम बस मैम ये आप लेक्चर भी हमें मेल कर दें क्योंकि एलएमएस अभी आपका नहीं ना, ठीक है। मैम आज फर्स्ट क्लास थी बेटा, सेकंड क्लास है, ठीक है। मैम लीव कर दें, हाँ जी आप लोग जाए बेटा, मैं तो बस क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे, किसी ने लीव करना मीटिंग लीव कर सकते हैं, अदरवाइज किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम मैम प्लीज ये लेक्चर ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके बच्चे।
बेटा हो जाएगा कल ईमेल कर दूंगी, कल मैं कर दूंगी सुबह में, ठीक है? या मैं एक दो स्टूडेंट्स को भी ईमेल कर देती हूँ ताकि सबको, मैं या फिर कल सुबह में कर दूंगी सबको। मैम अभी एक दो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।